केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह चिराग पासवान का एनडीए में शामिल होना है। दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पारस ने पत्रकारों से कहा कि एनडीए ने हमारी पार्टी से अन्याय किया है और एनडीए में तरजीह न मिलने से वो काफी निराश हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि एनडीए में अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि चाहे जो भी हो जाए वो हर हाल में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और अगर एनडीए की तरफ से उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती तो वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। पशुपति पारस के मुताबिक आरजेडी में जाकर उन्हें हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा ये तीन सीटें मिल सकती हैं। जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद क्योंकि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ है, कहीं भी जाने के लिए हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं अभी यहाँ मौजूद हैं, हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला। तो पशुपति पारस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिलना तय है। ऐसे में पशुपति पारस ने एक तरफ तो कहा कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ आगाह भी कर दिया है कि उनके पास दरवाजे खुले हुए हैं, अगर उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, एनडीए में सीट नहीं मिलती है तो फिर वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। बिहार सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके हैं पशुपति पारस और हमने देखा कि किस तरीके से 3 साल में अब चिराग पासवान पावरफुल होकर उभरे हैं और चाचा को मात देते हुए नजर आ रही हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, हमने देखा कि यहां पर चाचा पर भतीजा भारी पड़ रहा है और पशुपति पारस ने तो एक तरफ कह दिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ बड़ा संदेश भी दिया है कि आरजेडी के साथ जा सकते हैं अगर सीट नहीं मिली। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि उनको एनडीए में भाव नहीं मिल रहा है और उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। साफ तौर पर उनका यह मानना है कि अगर एनडीए में उनको तरजीह नहीं मिलती है, 3 सीटें नहीं मिलती है, हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा, तो वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं और किसी और पार्टी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी की ओर वो जा सकते हैं और आरजेडी के साथ 3 सीटों पर वो समझौता कर सकते हैं जिसमें हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा। हाजीपुर से वो खुद लड़ना चाहते हैं पशुपति पारस, प्रिंस पासवान लड़ना चाहते हैं समस्तीपुर से, और वहीं चंदन सिंह जो अभी नवादा से सांसद हैं एलजेपी से, उनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आप जो बात बता रहे हैं ये बताइए कि 3 साल में चिराग पासवान गेम चेंजर कैसे साबित हुए हैं। हाजीपुर सीट भी अब उनके खाते में नहीं है पशुपति पारस के, और हमने देखा 2021 से लेकर के अब तक ये पूरी तरीके से खेल बदल चुका है। बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस जब मंत्री बने थे उस समय लोगों से मिले ना मिले ये अलग बात रही, लेकिन चिराग पासवान में ये देखा गया कि वो लगातार जनता के बीच जाते रहे, लोगों से संपर्क साधते रहे और अपनी कद छोटा नहीं होने दिए पार्टी टूटने के बावजूद भी। और साफ तौर पर यह भी देखा गया कि चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी उनके साथ एक भी सांसद मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी लगातार वो बिहार की जनता के बीच रहे, लोगों के बीच जाते रहे, तो कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ा और यही वजह है कि अभी उनके एनडीए में ताकत बढ़ी है। और अब एनडीए की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 5 सीटें उनको मिलेगी। सिर्फ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक खगड़िया सीट अगर छोड़ दीजिए तो बाकी 5 सीटें जो पहले से उनके पार्टी के सांसद मौजूद थे वो सीटें उनको मिलने जा रही है। ऐसे में चाचा की चुनौती जो है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि पशुपति पारस ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उनके बातों को तरजीह नहीं दी जाती है एनडीए में तो वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक
वो अगर एनडीए में उनको सीटें नहीं मिलती है तो वो आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन क्या वो आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं? बिल्कुल, ये संदेश तो वो दे रहे हैं, रहा आसान तो नहीं है, कांटों भरी है चंद्रमोहन। लेकिन अब तो इनके सामने, पशुपति पारस के सामने, पार्टी को टूट से बचाना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई नेता उनके गुट के, चिराग पासवान गुट में एक तरीके से हाजिरी लगवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको ऑफर भी दे दिया है। देखिए, कल जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे, ये सबसे बड़ी बात है। सूरजभान सिंह, जिनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, उसके अलावा प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके भाई के लड़के हैं, भतीजा हैं, और खुद पशुपति पारस मौजूद थे। जबकि उन्हीं के पार्टी के दो और सांसद हैं, जब ये पार्टी टूटी थी, एलजेपी और दो भागों में बटी थी, चाचा भतीजा की पार्टी हो गई थी उस समय, उसके बाद से ही बीना देवी हैं जो वैशाली से सांसद हैं, वो चिराग पासवान के साथ आ गई थी, और महबूब अली कैसर जो कल चिराग पासवान के संपर्क में आए थे। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो पार्टी टूटकर दो भागों में बटी हुई थी, उनके दो सांसद अब चिराग पासवान के संपर्क में आ गए हैं। हालांकि चिराग पासवान उनको कितना तरजीह देते हैं ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए में बीजेपी के साथ जब गठबंधन में वो आ रहे हैं चिराग पासवान, तो ऐसे में बिल्कुल चंद्रमोहन दोहरी चुनौती है। एक तो हाजीपुर सीट निकल गई है, दूसरी तरफ पार्टी टूट रही है, पार्टी को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। क्या मोदी की लहर एक बार फिर से विरोधियों के गठबंधन पर हावी हो चुकी है? एक रिपोर्ट में देखते हैं। दंगल आरंभ, एनडीए वर्सेस इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। कल 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों और चुनावी चरणों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से पिछड़ता क्यों जा रहा है? दौड़ा रहा एनडीए, पिछड़ रहा इंडिया। एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी राज्यों के तूफानी दौरों और रैलियों में एक के बाद एक जीत की गारंटियां देते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी चेहरे वाले इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग और चुनावी प्रचार को लेकर कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि पीएम मोदी और विपक्षी दलों का चेहरा बने राहुल गांधी के बीच 24 की चुनावी तैयारियों को लेकर क्या फर्क है, जिसका फायदा एनडीए को मिल रहा है। एनडीए की तरफ से 5 मार्च 2024 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदियां रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही चुनावी हथियार बनाए हुए हैं। बाकी दल इस यात्रा में सही से हिस्सा नहीं ले पाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना से लेकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से जोड़ा है। 25 मार्च के बाद से पीएम मोदी 150 से ज्यादा तूफानी रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता के जहन में 400 प्लस सीटें जीतने का नारा देकर जनता को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई है, जो 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म होगी, लेकिन 15 राज्यों, 110 जिलों और 6700 किलोमीटर का फासला तय होने तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी खुद कांग्रेस की न्याय यात्रा के मकसद और मिशन को ना तो समझ पाए हैं और ना ही जनता को समझा पाए हैं। कौन पीएम का चेहरा है, जीत पर क्या दावे हैं, जनता को नहीं समझा पाए हैं, इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। 24 में मोदी लहर, कहां है राहुल? केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, नानोरिल अधिगम। 38 से ज्यादा सियासी दलों से बना एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन लगातार सिकुड़ता जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में गंभीर मतभेद हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर लट्टू होने वाले लालू यादव भी अब राहुल की कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं।
लालू की पार्टी आरजेडी बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच अपने मुद्दे और मिशन के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। जरा देखिए क्या है बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के मुद्दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को सबका साथ सबका विकास की गारंटी दे रहे हैं। सीएए को लेकर एनडीए की तरफ से साफ हो चुका है, सीएए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने बहुत बड़े वर्ग का प्रचंड विश्वास जीत लिया है। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों का विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान को मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है, जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। इंडिया गठबंधन के पास एनडीए के मुद्दों का सटीक तोड़ नहीं है। यही वजह है कि न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जरा देखिए 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन का सफाया होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। अब देखना होगा कल 16 मार्च को चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद 24 के चुनावी भीषण संग्राम में क्या क्या होता है। बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की एक और सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में सहमति बन चुकी है। कल रात एमबीए की बैठक में शिवसेना उद्धव गुट के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार बनाए जाने पर मोहर लगाई गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर तेज फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर अब तक कई बैठक हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। एक बार फिर सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला, नाना पटोले, बाला साहेब थोराट शामिल हुए। एनसीपी से बैठक में जयंत पाटिल और जीतेंद्र आवान शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत बैठक में मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर को न्योता नहीं दिया गया। तो 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर को न्योता नहीं दिया गया, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बीच तल्खी काफी बढ़ चुकी है। महाविकास अघाड़ी के 4 लोकसभा सीट देने के प्रस्ताव को प्रकाश अंबेडकर ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि जब तक उन्हें सम्मानजनक जगह नहीं मिलेगी तब तक वो महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी उन्हें जो जगह दे रही है उससे साफ होता है कि वो चाहते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी हार जाए। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने 27 सीटों का प्रस्ताव एमबीए को दिया था और 17 सीटों की मांग की थी। बातचीत के बाद वो कम से कम 10 से 12 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। तो महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट शिवसेना शिंदे गुट में सोमवार तक जारी हो सकती है। इस लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। थाने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। तो महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट शिवसेना शिंदे गुट सोमवार तक जारी कर सकती है। इस लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। थाने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा भी हुई।
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर अब तक कई बैठकें हुई हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। एक बार फिर से सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला, नाना पटोले, बाला साहेब थोराट शामिल हुए।